नमस्कार, बंजो आप केसरी देख रहे हैं, आप मैं हूं आपके साथ गीतांजलि। आंध्र प्रदेश में विजयवाड़ा की एक अदालत ने कौशल विकास निगम घोटाला मामले में तेलुगु देशम पार्टी प्रमुख एन चंद्रबाबू नायडू की न्यायिक हिरासत की अवधि को 5 अक्टूबर तक बढ़ा दिया है। आंध्र प्रदेश पुलिस के अपराध जांच विभाग यानी CID के अधिकारियों ने कौशल विकास निगम घोटाले के संबंध में नायडू से राजा महेंद्रवम केंद्रीय कारागार में 2 दिवसीय पूछताछ रविवार को पूरी कर ली और इसके बाद यह आदेश सामने आया। CID का प्रतिनिधित्व कर रहे विशेष लोक अभियोजक YN विवेकानंद ने बताया कि विजयवाड़ा की भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो यानी ACB अदालत ने रविवार शाम 5 बजे 2 दिन की पुलिस हिरासत की अवधि समाप्त होने के मद्देनजर नायडू की न्यायिक हिरासत की अवधि को अब 5 अक्टूबर तक बढ़ा दिया है। उन्होंने कहा कि CID सोमवार को नायडू की हिरासत के अनुरोध के लिए एक अलग याचिका दायर कर सकती है। इसके अलावा पूर्व मुख्यमंत्री की जमानत याचिका और MP फाइबर नेट और अमरावती इनर रिंग रोड मामलों में 2 और CID केंद्रीय ट्रांजिट वारंट याचिकाओं पर सोमवार को सुनवाई हो सकती है। CID हिरासत में नायडू थे। कौशल विकास निगम घोटाला मामले में नायडू पहले ही सुप्रीम कोर्ट का रुख कर चुके हैं। ACB की अदालत ने मामले में पूछताछ के लिए नायडू को 2 दिन की CID हिरासत में भेज दिया था। अदालत के आदेशों के अनुपालन में नायडू से 2 दिन सुबह 9:30 बजे से शाम 5 बजे तक पूछताछ की गई। फिलहाल उनकी न्यायिक हिरासत को बढ़ा दिया गया है, जिसके चलते उनकी मुश्किलें भी बढ़ती नजर आ रही हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि ये मुश्किलें कब तक आसान उनके लिए हो पाती है।